2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिस दिन समझौते की जमीन पर आजादी की नींव रखना निश्चित हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वॉइसराय हाउस में बंटवारे के दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया। दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। समझौते में एक और शर्त रखी गई कि तबादला आबादी नहीं होगी, यानी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में। मगर ऐसा हो नहीं सका। मनु की पता सी कि पाकिस्तान सरकार हमारे साथ धोखा करेगी। और फैसला तो हुआ था ना कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू तसिक यही रहेंगे, पर सब कुछ तो बदल गया और अब उल्टी होएगा। मेरा काका पता नहीं किधर होना है, किस हाल छोड़ना है, ले पुत्र ले ले बिजी की है। और अब मैं नहीं दे सकती अपने। रुक जा संतो, और क्या कर रही है, हौसला रख हौसला। ला मुझे दे दे। दियो जहर। रस्ते में कोई मुसीबत आए तो इसे खा लेना, पर किसी मुसलमान को अपनी असमत मत लूटे देना। हाय रब्बा, ये कैसा वक्त आ गया कि एक बाप अपनी औलाद को लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकता। मत रो बहना। नहीं बाबूजी नहीं, मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। अरे क्या हुआ जो आज काके यहां नहीं है? आपका दूसरा पुत्र गुलखान तो यहां है। कसम कलाम पाक की बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। बीजी मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ओ पुत्रा, ओ पुत्रा, दिल ते जज्बात सब हार चुके ने, हालात जीत गए ने। नहीं चलो चलो कुड़ियों सामान चुको, चलो चलो जी। बहुत देर हो गई, मत जाइए। और इस तरह अपने ही मुल्क में लाखों हिंदू परिवार घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खाने लगे। पिपला स्टेशन पर 8 डिब्बों की गाड़ी थी और लोग थे 10,000। भाग्य, नसीब, खुदा, भगवान जैसे सब सो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमला बंद करे, आ गए बच्चों, बूढ़े जवानों बच्चों को कत्ल कर डालो, हिंदुओं को उठा ले चलो, छोड़ना मत किसी को, लौट दो सारे मलिका। Oh!
طرح پاکستان کے مختلف حصوں سے ہندوؤں اور سکھوں کی لاشوں سے بھری گاڑیاں ہندوستان بھیجی جانے لگیں۔ ہندوستانیوں، کاٹنا ہم سے سیکھو۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہندو اور سکھ پلٹ اٹھے، اور مذہبی ہنسا کی اس آگ کی لپٹ سے آگ لگانے والے بھی نہ بچ سکے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ ہماری پریشانی سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے جانے مانے بزنس مین ہیں، ہماری حفاظت کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہمیں دلی ایئرپورٹ تک پہنچا دیجئے بس۔ جناب اشرف علی صاحب، بائی روڈ ہی جانا ہوتا تو امرتسر سے لاہور کتنی دور ہے؟ 35-40 میل ہی تو ہے۔ سڑک کے راستے دلی جانا مطلب ہے موت۔ بھائی جان وقف۔ اشرف بیٹا، عبدل بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا بھائی جان؟ وہ ہندو اور سکھوں کی بھڑکی ہوئی بھیڑ نے یاور صاحب کی حویلی کو آگ لگا دی اور سارے خاندان کا قتل کر دیا۔ بھائی جان، ابو وہ لگے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ ابو عثمان، جمان، پرویز، گیٹ کو مضبوطی سے بند کر دو، چین لگا دو۔ داروغہ جی، آئی ایم وارننگ یو، اگر ایک بھی آدمی اندر گھسا تو اللہ قسم اشرف علی خان کا نام آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ آگ لگانے والے خود آگ تو ڈر گئے۔ بھائی جان، سمجھ زبانی سبیر، کنٹرول یورسیلف، جو ڈیوٹی پر ہے سمجھا کر۔ ڈیوٹی تے ہاں، اسی لیے تو خاموش ہاں، ورنہ کیا کرتے تم؟ کیا کرتے تم؟ نظر اٹھانے کی حیثیت نہیں تمہاری، ہم پر ہاتھ اٹھاتے؟ جناب اشرف علی صاحب، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے، صرف 2 گھنٹے رہ گئے امرتسر سے لاہور جانے والی اسپیشل گڈی نو، تو اسی جلدی چلو۔ بدتمیز، سرفراز بھائی جان نے لاہور سے کتنی بار فون کیا تھا کہ جلدی نکل آئیے۔ ارے ہندوستان میں پھیلا ہوا سارا کاروبار چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ کتنے روپے دیے تھے ہم نے مسلم لیگ کو، اور کتنی کوشش کی تھی کہ لاہور کے ساتھ ساتھ سارا پنجاب پاکستان میں آ جائے، لیکن سب بیکار۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کی طرح چھوٹا سا پاکستان ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ بھائی جان، برس دو برس اور نکل جاتے تو ساری زمینیں کاروبار بیچ کر ہم پاکستان چلے جاتے۔ اس تو پہلا یہ پیڑ توڑے تھے حملہ کرے، آؤ میں آپ سب کو پیچھے کے راستے سے لے چلتا ہوں۔ چلو جلدی چلو۔
गाड़ी में सवार हो जाएं। हिंदुओं की एक और मिली हुई गाड़ी आई है पाकिस्तान से। मारो इन मुसलमानों को। जल्दी चलिए, चलिए ना भाई। आप लोग जल्दी निकल जाओ, जल्दी। मुसलमानी अबे चिता ओए ओ कमाल दी मुटियार ओए आजा 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 जा
मैडम जी। ए मुसलमानिया भाई, ए हमारा शिकार है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे वाह, मील तक दौड़ा के ये हमें लाई है और हाथ तू लगाएगा इसे? हट बरा। ओए, मैंने बोला ना इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी पहचान वाली है। ओए, कैसी जान पहचान, नंगा घुमाया था इन लोगों ने हमारी बहू बेटियों को। तू हट पिछो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ओए की कर दो यार, आपस में झगड़ा करते हो। ओए पापे और बादशाह, ऐ अपने तारा सिंह ने यार, और ट्रांसपोर्ट पे आने तो रात चलता है, समझते नहीं हो क्या? वो ठीक है भाई, आपस की बात है, समझ लेंगे। ओए कुड़ी समझ ले, पहले इसनु हाथ हसी लावांगे। ओ तारिया, ओ तू पागल हो गया है। ओए पाई पाई दा खून बहेगा, वो भी इस कुड़ी लई। ओए तू जे मकबूल, ये मुसलमानी है, मुसलमानी। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लोबिया होगी सिगनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, वाहे गुरु जी की सौ गर्दन उखाड़ दूंगा। आ जा मेरी बर्बाद मोहब्बत के। और दरमियान उड़ जा, सोता है, चल खा ले जा गया। आ जा आ जा। बेड़ा कर खो तेरा, ऐ की किता तू? पापे मैं तो सोया होता ना पापे, आपकी आवाज सुनी ना मैं फट से उठा, ठहर हो गई पापे, सारी मुर्गियां हवा च तेरी, और आंडे। गंदा पीपा ना होए, चल जाकर मुर्गियां संभाल, मैं जाकर कंटीन में मेजर साहब नु मिलके आना है। अच्छा व्हाट पापे? पापे मेजर साहब नहीं होता, कंटीन में मैनेजर साहब होता है। पापे मेजर साहब वो होता है जो दुश्मनों पर बंदूक से गोलियां, और दरमियान सिंह वो होता है जो ट्रक से सामान नीचे उतारता है। चल मुर्गियां पकड़। यस पापे। क्या क्या करी जंदा? मुर्गियां आजा, कैंटीन का सारा काम करने को मुझको अकेले को लगा देते हैं। ओ चांटे। नमस्ते पाजी। नमस्ते, क्या बात है, तू ढीला सा लग रहा है। पाजी मैं बीमार हो गया था। अब तो ठीक है ना तू? हाँ पाजी। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए ग्लास पानी ला और फिर जाकर गाड़ी में से सामान उतार। पाजी पहले सामान उतारूं कि पहले पानी पिलाऊं? चांटे तेरा ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली है क्या? तेरे को 2 घंटे लगेंगे सामान उतारने के लिए, तब तक मैं यहाँ पैसा खड़ा रहूंगा। चल जाकर पहले पानी लेकर आ। अच्छा पाजी। अच्छा पाजी। हेलो मिस्टर तारा, हाउ आर यू? हाँ बीना जी, कंचन जी नमस्ते। मैं तो अचानक अंग्रेजी सुन के घबरा गया था, आप लोग तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है। तारा सिंह जी वो हमारा आपका सामान ना? हाँ मैं लाया हूँ, लाया हूँ। ये रही आपकी लाली, आपकी बिंदी और आपकी चूड़ियाँ। जनाब हम आपको बड़ी तकलीफ देते हैं। लो जी कर लो गल, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप लोग शहर से दूर हॉस्टल में रहती हैं और फिर मुझे कंटीन की सप्लाई के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार तो आना ही होता है ना। हाँ साहब, आप वो पिक्चर देखने जाने वाले थे ना? पिक्चर का नाम क्या था? पहली नजर। कैसी लगी आपको पहली नजर? जी वो बड़ी इश्क मुशक वाली पिक्चर है। अच्छा, लेकिन उसमें एक नए गायक मुकेश ने तो कमाल ही कर दिया, दिल निकाल के रख दिया। अच्छा हाँ,
दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। वाह जनाब, आप लोग हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन सलाने जलसे में मेरे गाने की बात एक बार भी आगे नहीं बढ़ाई आप लोगों ने। अजी क्या खूब बात याद दिला दी आपने, हम अपने एनुअल फंक्शन में आपसे गाना गवाने के लिए एक नई म्यूजिक टीचर से मिलवा देते हैं, मिलवाएंगे ना? अरे हाँ, एक छोटी सी दिक्कत है, हमारी नई म्यूजिक टीचर जरा ऊंचे सुर में सुनती है। अच्छी, हम तो बचपन से ही ऊंचे सुर में गाते आ रहे हैं, क्यों दरमियानिया? हाँ जी, पापे के ऊंचे सुरों को सुनकर तो मल्ले वालों के सुर बिगड़ जाते थे, रोज झगड़े होते थे जी। चुप है, ये जरा दिमाग से पैदल है तेरी तुम हो तुम। अच्छा जनाब तारा सिंह जी, हाँ जी, आप संडे को ठीक 12 बजे म्यूजिक रूम में पहुँच जाइएगा मुलाकात के लिए। अच्छा जी, बाय। शुक्रिया 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 दरमानिया। लगता है सलाने जलसे मैं जरूर गावांगा। हाँ पापे, अगर म्यूजिक टीचर ने बीच में ब्रेक ना लगा दी तो। व्हाट, हम और म्यूजिक टीचर बन जाए? बट व्हाई, हमें किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता। ओ सकीना, तुम स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल नहीं, भाई कभी तो मजाक कर लिया करो। गाती तो जनाब ठीक ही है, मगर फंक्शन में स्टेज पर, वो भी प्रिंसिपल मिसेस पिंटो के सामने। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आप लोग चाहते हैं कि गायक जनाब हमेशा के लिए तौबा कर जाए, जिंदगी में फिर कभी एनुअल फंक्शन में गाने का नाम ना ले। ऑफ कोर्स, इट विल बी अ ग्रेट फन। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने उससे कह दिया है कि हमारी म्यूजिक टीचर थोड़ा ऊंचा सुनती है। ओह माय गॉड, क्या नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। यू, हु आर यू, कौन है आप? जी मैडम, मैडम मैं तारा सिंह, तारा। क्या क्या, जरा जोर से बोलो। तारा सिंह जी। आवारा सिंह? नहीं नहीं, आवारा सिंह नहीं, तारा सिंह, तारा तारा। कुवारा? तुम कुवारा है तो हमको क्या? Aren't you ashamed? This is a girls' college. Now out, 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 out. ओ तो मेरी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, तो गाना कितना सुनेगी? पप्पे सुनेगी, सुनेगी, जरा ऊंचा बोल। ऊंचा बोल। मैडम जी, कंचन जी ने मुझे आपके पास गाने के लिए भेजा था। What? खाना? खाना खाना तो कैंटीन में जाओ, इधर क्यों आया तुम? खाना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, गाना 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 गाना। Oh my God, तो ऐसा बोलो ना। Yes yes, Kanchan had told me, पर क्या तुमने कभी गाना गाया है? गाना गाया है अजी, जब मैं पिंड के टिल्ले पर, मेरा मतलब है गांव में। क्या गांव में? जब मैं स्टेज पे गाता हूँ ना तो पूरा गांव झूम उठता है, विसल सीटियां मारता है, विसल विसल विसल। तो गाकर दिखाओ। गाके? गा। आ, 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 आ,
तुम लाइफ में सब कुछ करना मगर गाना नहीं गाना, ओके? कम ऑन गर्ल्स। मैडम, मैडम जी, मैडम जी। ओए होए, ये क्यों हो गया? पापे आज तो वही हो गया ना जैसे कार्बोरेटर में गंद आ जाता है। शीशी निकाल। व्हाट पापे? शीशी निकाल। ओ यस पापे, शीशी। आ ये ठीक है। पापे दरमियान पाजी, हाँ जी, ये गोलियां क्या है? व्हाट चेंटी, और ये कोई मामूली गोली नहीं है। अच्छा? और रावल पिंडी के वर्ल्ड प्रसिद्ध वैद्यराज वैद्यलाला भोजराज दीवान चंद खन्ना की दवाई। अच्छा जी। हाँ जी, वो चेंटे पिछले साल विसाखी पर अपना वो सिंगर नहीं है वेरी फेमस रावला सिंह, लो जी उसकी स्टेज पर वो आज बंद होगी। भाई चेंटे दो गोली ली उसने, इतने गाने गाए, इतने गाने गाए, बाद में बेहोशी की दवा देकर जलसा बंद करना पड़ा। क्लोज। अब पापे का क्या होगा? उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियां बिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रास्ता देखें पिछड़े मीतों का, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादे। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह तारा जी, आपकी आवाज तो सीधा दिल पर दस्तक देती है। हम नहीं जानते थे कि आप इतना मीठा गाते हैं। तो फिर मैडम जी, इस साल सालाना जलसे में मुझे गाने का मौका तो मिलेगा ना? वी आर सॉरी तारा जी, हम माफी चाहते हैं। माफी? एक्चुअली हम सब लड़कियां मिलकर आपके साथ मजाक कर रही थी। हम कोई म्यूजिक टीचर नहीं, हम तो यहाँ स्टूडेंट हैं। हमारा नाम सकीना है। I'm really very sorry, तारा जी। पापी ये तारा जी, एक बात कहें आपसे, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई प्रॉमिस कि हम प्रिंसिपल से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप आईएमई फंक्शन में गा सके। मैडम जी एक मिनट, मैडम जी हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कम से कम आपने इस गरीब के बारे में इतना तो सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। It's all right. एक ट्रक ड्राइवर हमारे
हमारे कॉलेज के फंक्शन में गाए, रिडिक्युलस। आई कांट रिस्क इट, द रेप्यूटेशन ऑफ दिस कॉलेज इज एट स्टेक। हम इन छोटे लोगों को फिलिसिटेट कर देते हैं, क्या ये बात कम है? My dear, you better pay attention to your rehearsal. कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, मैंने तो आपको लंबे से ही पहचान लिया था। हेलो। ये लीजिए 150 रुपए। थैंक यू। अरे वो नथु हलवाई के यहाँ इन जलेबियों के लिए लंबी लंबी लेन लग जाती है। वो तो मैंने अपने ट्रक का हॉर्न बजा बजा कर ये काम जल्दी से करवा लिया। अच्छा? हाँ। अरे वो सकीना जी कहाँ है? जाता है कोई, क्यों अरमां पैदा हुए हैं कहीं मालूम नहीं, ये कमबख्त दिल चाहता क्या है। तारा जी आप? मैडम जी, आपने तो डांस में वो फिल्म है ना अमरापाली, उसकी हीरोइन सविता देवी को भी मात कर दिया, बिजली की तरह नाचती हैं आप। हाँ, बातें बहुत अच्छी करती है तारा जी। जी मैं बातें कहाँ करता हूँ, जुबान से जो निकलता है ना मैं बोलता रहता हूँ। अरे आप मुझे सामान दीजिए ना। मैडम जी, दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं कह रहा था मैडम जी, हमने आपसे कहा था ना कि हम मैडम नहीं सकीना है। लेकिन मेरे लिए तो आप मैडम जी है ना। हमारा वो मामला कुछ आगे बढ़ा या नहीं? व्हाट मामला? मेरा मतलब वो गाने वाली बात। तारा जी, जी वो हम, दरअसल बात ये है कि प्रिंसिपल का कहना है कि आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ते ना, इसलिए आप प्रोग्राम में गा नहीं पाएंगे। बात तो ठीक है जी, मैं भी शमला जट हूं ना, इतनी सी बात नहीं समझा। अरे मैं कॉलेज में पढ़ता थोड़े ही हूं जो जलसे में गाऊंगा। मैडम जी, आपको अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपने तो कोशिश की ना। वैसे भी मैं तो दिन रात गाते ही रहता हूं। मैं आपको कल जलसे में मिलूंगा। Gentlemen, honorable guests and my dear students, ईश्वर अपनी कला का वरदान कुछ खास लोगों को ही देता है, और यही थीम है हमारे आज के इस प्रोग्राम का, जो आपके सामने पेश करने जा रही हैं हमारे फाइनल ईयर की स्टूडेंट सकीना और उनके कुछ साथी। आपको अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपने तो कोशिश की ना। रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑनरेबल गेस्ट ऑफ दिस कॉलेज, मिसेस लांबा ने जिस थीम के बारे में कहा उसे हम एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं।
जैसे फूल अपनी महक, सूरज अपनी रोशनी और एक मासूम बच्चा अपनी मुस्कुराहट देते हुए छोटे बड़े का फर्क नहीं देखता, उसी तरह कुदरत संगीत के फन को बिना फर्क किए नवाजती है। ऐसे ही एक फनकार हमारे बीच मौजूद हैं, जनाब तारा सिंह जी। आइए तारा जी। पापे गो मैडम जी ने तो फटे चक दिए पापे। चल पापे आओ तारा जी, प्लीज कम। चल पापे चल, पापे चल। मुझ गरीब पर रहम तुमने क्यों किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। आओ ना तारा सिंह, डरो मत, आओ। डरो मत तारा सिंह, आपने तो कहा था कि जब आप गाते हो तो पूरा गांव झूम उठता है, आज कुछ ऐसा ही गा दो। गाओ ना, गाओ, गाओ, come on। मैं निकला ओ गड्डी लेके, सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो थे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं तो थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं तो थे दिल छोड़ आया। दिल छोड़ वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया, वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं जोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया।
शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया। अरे तारा सिंह तुम? मैडम जी बाजार में थोड़ा टाइम लग गया था ना, आपके लिए तोहफा जो खरीदना था। तोहफा? हाँ मैडम जी, अक्सर लोग जब बिछड़ते हैं तो तोहफा देते हैं ना। अच्छा, देखिए मैडम जी, मुझे दो पूरी रातें लगी ये सोचने के लिए कि आपके लिए क्या तोहफा खरीदूं, क्योंकि तोहफा आपकी तरह खूबसूरत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये लीजिए। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू। हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लाता हूं। लॉ भी होगी सिकनी। मैडम जी कपड़े? ना ना मैडम जी, आप मुझे गलत मत समझना, वो तो आपकी जान बचाने के लिए मुझे आपकी मांग भरनी पड़ी, वरना आप कहां और मैं कहां। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैडम जी, अगर मैं चाहूं भी तो उछलकर चांद को तो नहीं छू सकता ना। फिक्र मत कीजिए, आप यहां पूरी तरह से महफूज हैं। Hey!
चुप हो जाओ। ओ जसी, आज शिमला वाली मैडम जी हैं। अरे मैडम होगी तेरी, हमारे लिए तो वो कमीने अशरफ अली की औलाद है। तू तो उन्हें छड़ता सी, पर मौत ने नहीं छड़िया, मर गया वो कमीना अशरफ अली। ओ कल रात अमृतसर से चली लाहौर जाने वाली मुसलमानों की गड्डी अटारी स्टेशन में काट दी। काम कितना है? हो सकते हैं इन लोगों ने जो कहा वो झूठ हो, और फिर अटारी स्टेशन तो पास ही में है। चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। ओ जी, गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान को खा गए, टुकड़े करा गए। मास्टर जी दरअसल मैं आपसे, मैं समझ गया काका जी, मैं समझ गया। इन हालातों में आप दोनों यहां घूमने के लिए तो आए नहीं हैं। आप तो सिर्फ ये पता करना चाहते हो ना कि कल अमृतसर से जो गड्डी चली थी उसमें से कोई बचा कि नहीं बचा। ओ काका जी, कौन बचेगा इस खून के सैलाब में? नहीं हो सकता। गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान को खा गए। आओ, ये है जी सामान उन बदनसीबों का जो कल रात लाहौर वाली गड्डी में काट दिए गए। आप देख लो अगर आपके किसी का सामान तो। ये गोरे अंग्रेज तो हिंदुस्तान को खा गए, टुकड़े करा गए। Will I be pretty? Will I be rich?
what she said to me. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. मैडम जी, 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 क्या कर रही आप? बंदर जाते हैं, बंदर जाते हैं, मुसलमान हैं, बंदर जाते हैं। संभालिए अपने आप को मैडम जी, संभालिए, संभालिए अपने आप को। तारा किसी को हिंदुस्तान चाहिए तो किसी को पाकिस्तान। इंसानों को तो इंसान की जरूरत ही नहीं। तुम भी तो मुसलमानों को मार रहे थे ना, तो हमें क्यों छोड़ दिया? हम भी मारना चाहते। मैं जानता हूँ मैडम जी, हालात जब कहर बन के टूटते हैं तो आदमी पागल हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। आपको गाता गुनगुनाता तारा याद है ना मैडम जी? सब कुछ था उसके पास, लेकिन इस कदर की लूट ने तारा को लूट लिया, कंगाल कर दिया उसे। माँ बाप बहने सब छीन लिए उसे। मैडम जी, मैंने इन्हीं हाथों से अपने परिवार को आग दी है। वो चिताएं तो जलकर राख हो गई, लेकिन ये चिता आज भी जल रही है। ये कहानी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, हजारों सिख हिंदू मुसलमानों की है, जो जलती फिरती लाशें हैं, उनमें ना कोई धड़कन है, ना जीने की तमन्ना। जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। हिंदू सिख पकड़ ले तो कहते बाल लंबे करने से कोई सरदार नहीं हो जाता। तू मुसलमान है दरमियान खान, तेरी कब्र यही। पापे बड़ा इंग्लिश टाइप का टेबल बना दिया पापे। पापे पर इसका करेंगे क्या? बेवकूफ, मैडम जी थोड़ी ना हमारी तरह नीचे बैठ के खाना खाएंगी। फिल्मों में नहीं देखा बड़े लोग कैसे खाना खाते हैं? हाँ पापे। दो चार नौकर वर्दी पहनकर चीनी प्लेटों में खाना खिलाते हैं। पापे हम भी ऐसे रोटी खाएंगे। अच्छा पाए, जाकर खाना लगा। अच्छा हम भी ऐसे खाना खाएंगे, हम भी ऐसे खाना खाएंगे। मैडम जी खाएंगी। हाँ फिर वो मैडम जी है। अच्छा हाँ, मैडम जी आप खाइए ना।
अब तो तू पानी पीना। हाँ पापे, पापे खाली है अपने अभी। ओफो सत्यानाश हो उस ढाबे वाले का, लाख मना करने पर भी उसने खुम्बों की सब्जी बना दी। मैडम जी आप फिक्र मत कीजिए, ये बड़ी अजीब सी बीमारी है, वैद्य कीमती लाली इसकी सीढ़ियां बंद कर सकता है, मैं उसे अभी लेकर आया। बीमारी? आइए वैद्य जी आइए आइए। किधर आ गए मरीज, कितना चलाओगे? क्यों भाई क्या तकलीफ हो गई है? वैद्य जी जब से खुम्बे खाई है पीछे ही पड़ गई है। इतनी सीटियां मारेगा तो पीछे तो पड़ेगी। नहीं नहीं वैद्य जी कुड़ी पीछे नहीं पड़ी है, सीटी पड़ गई है। ओ, फिक्र मत करो, फटाफट कर देंगे सफाया। क्या मतलब? इसकी सीटी का सफाया कर देंगे, फटाफट लेट जा भाई, लेट जा। हो गया वैजी, हुन दरमियान ठीक हो गया ना? अरे ठीक कैसे नहीं होगा तारा जी, कैसी बातें करते हैं आप? आप दरमियान से ही पूछ लीजिए क्यों भाई। मेरी एज की ठीक हो गया ना? पापे लगता तो है। पहले तो एक ही थी, अब तो दोनों शुरू हो गई, बैलेंस बराबर हो गया। पप्पे, पप्पे अपनी स्कीम कामयाब हो गई। हाँ मैडम जी हंस पड़ी। मैडम जी आप रोइए मत, आप हंसी हुई अच्छी लगती हैं। मैडम जी ओत्रे आ कमीनिया है खसमन खाना, पर किसी के बारे में तो सोचना चाहिए था ना खसमन खाने को, लेके आ गया मुसलमानी घर में, अब बताती हूँ मैं जाके। ओए मोया पैर जल्दी चला। ताई 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 पपे ताई ताई तक मैं की करा? ताई आ गई मारे गए। ओले आ गई आ गई। ओ तू तू रोको नु मैं थले। हाय रब्बा ताई जी। ओए हट आजा ओतरे आ कमीनिया, किथे है मुसलमानी? ताई चारदानी खसवन खाने आ, चारदानी नहीं मुसलमानी। घड़ी मुसलमानी ताई मुझे तो पता ही नहीं। वट ताई वट वट कटेगा तेरा ताया आके, और खसमन खाने हो चली समझते मेरे को, पागल बना करके ताई, मेरे को पागल बना ताई। ताई पुत्र जीता रहे मेरा पुत्र, लंबी उम्र हो मेरे पुत्र की। ताई किधर घर सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। ठीक तो तब होता ना जब तेरा ताया आ जाता है जुत्ती लेकर, वो तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा कम से कम जाके मालूम तो कर लूं कि भाई ये हट चल पाया हुआ है, मैंने कहा जाके मालूम तो कर लूं कि कहीं राम रखे झूठ तो नहीं बोल रही है कि तू मुसलमानी लेके। ताई ताई उधर के ताई ताई लस्सी लाऊं? हट भरे ताई ताई मेरी मेरी गल सुन ताई, मैं तेन समझा ताई जी। तू बाहर चल। ताई ये सकीना मैडम है, बड़े ऊंचे खानदान की है, बेचारी फसाद की मारी है, इसके माँ बाप दोनों मर गए। हाय रब्बा बिल्कुल कली रह गई हो। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। अच्छा पुत्र तारिया, तू पुत्र भला करना चाहता है ना, तो पुत्र इस बेचारी कुड़ी को ना मुसलमानों के कैंप में छोड़ा। ओए मैं तेरे से बात कर रही हूं, समझ गया ना? पागल ना होए तो छड़ाएंगा ना पुत्र, छड़ाएंगा ना? देख पुत्र सारे मोहल्ले में हमारी थूथ हो रही है, तू सुन रहा है ना? ले बातों में ये भी भूल गए कि मैं तेरे वास्ते पिनिया बना कर लाई हूँ। ले आवे पिनिया। खसवन खाना पकड़ के बैठा हुआ है, ये देख तेरे वास्ते पिनिया बनाई है, बादाम डाल के देसी घी की, एक सवेरे दूध नाल खा लेगा ना सारा दिन भूख नहीं लगनी।
और तेरा क्या भरोसा, गड्डी लेके ये गया वो गया, पता नहीं कितने चले जाना है। ऐला खाली पुत्र, दो चार पिनिया पुत्र उस कुड़ी को भी दे देना, हालात की मारी है। चल कितने, चल मैडम जी, ताई की बात का बुरा मत मानना, उनका दिल शीशे की तरह साफ है। ठीक तो कहती है तुम्हारी ताई, और वैसे भी अब हम तुम्हारे लिए और मुसीबत व बदनामी का कारण नहीं बनना चाहते। तुम हमें मुस्लिम कैंप छोड़ो, वो हमें लाहौर हमारे मामू के पास भिजवा देंगे, वहां हमारा बहुत बड़ा घर है। आप ठीक कह रही हैं मैडम जी, वैसे भी ये घर आपके लायक कहा, लेकिन आप रिफ्यूजी कैंप में ना मैडम जी ना, मैं आपको आपके घर लाहौर छोड़ाता हूं। इन हालात में तुम्हारा वहां जाना नहीं, आप आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस तैयारी करके आता हूं। अच्छी तरह से जानता हूं मैडम जी, अगर मैं चाहूं भी तो उछलकर चांद को तो नहीं छू सकता ना। मुसलमानी है ये, मुसलमानी है, लॉ भी होगी सिकनी। अब अगर इसकी तरफ किसी ने हाथ भी उठाई ना, वाहिगुरु जी दी सौ, घर तो नुखाड़ दूंगा। क्या मैं तो कल के लिए अभी से सब्जियां कटूंगा, वडूंगा, मिर्च मसाले डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूंगा, जब तैयार हो जाएगी A1 बना के ट्रक पे चढ़ा दूंगा। तू बात कर पापा। अच्छा भाई मैडम जी, मैंने लाहौर जाने की सारी तैयारी कर ली है, अपनी गाड़ी तेल हवा पानी से बिल्कुल टिच जाए, कल सुबह तड़के ही हम लोग लाहौर के लिए निकल जाएंगे। मैडम जी मैं आपसे एक बात पूछूं, वहां जाकर आपको मेरी थोड़ी सी याद तो आएगी ना। मैं ऐसे ही अमला जट हूं, फिजूल सा सवाल कर बैठा। Thank you.
मैडम जी वहां जाकर आपको मेरी थोड़ी सी याद तो आएगी ना। दरम्याने जल्दी आ, बागवानी है। लाइए आज आपकी पगड़ी हम बांध देते हैं। मैडम जी आपको पग बांधनी आती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, कॉलेज के ड्रामे में हम कई बार सिख बने थे। तारा जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ मैडम जी, वाह मैं ठहरा खाना बदोश, आज मेरा ट्रक यहाँ तो कल दिल्ली, और फिर इस ट्रक ड्राइवर के साथ कोई शादी क्यों करेगा? और अगर किसी ने कर भी ली ना भाई, मैं तो उससे सारा काम करवाऊंगा, रोटी पकवाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, पैर दबवाऊंगा, और अगर उसने ज्यादा टेंटे की ना तो दो चार रख भी दूंगा। हाँ जरा देखिए पगड़ी कैसी बंधी है। बंधी क्या? नहीं मैडम जी, पग तो बहुत अच्छी तरह से बंधी है। तो आपने उतार क्यों दी? यूं ही। आप कुछ छिपा भी सकते हैं, ये हम नहीं मानते। मैडम जी, अपना ये पग कभी नहीं पहन सकता, इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। क्या मतलब? सर्दियां बट गईं, कुदरत हमें दोबारा मिला या ना मिला ये तो रब ही जाने, लेकिन जब भी आपकी याद आएगी मैं इस पग को देख लिया करूंगा। मुसाफिर जाने वाले मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले।
सपने ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले लाहौर नहीं जाएंगे मैडम जी क्या बात है आप क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हमने कहा ना कि हमें नहीं जाना मैं समझ गया मैडम जी आपको इस बात का डर है ना कि कहीं इस माहौल में मैं आपको लाहौर छोड़ Will you please keep quiet? What do you think of yourself? You go on talking without caring about anyone else's feeling. तुम तो शादी नहीं करोगे ना क्योंकि तुम दो जट और करोगे भी तो उसे जो खाना पकाएगी सेवा करेगी और ज्यादा जी चपट की तो उसे तो थप्पड़ लगाओगे यही ना
मैडम जी तो ठीक है, हम सेवा करने को तैयार हैं, हम खाना भी पका देंगे, एंड माइंड इट, हम तो थप्पड़ भी खा सकते हैं। तेरी जुर्रत कैसे पड़ी इसे घर की चौखट तक लाने की? ताया वो ओए जिस काम ने देश के टुकड़े करा दिए, मेरे भाई गुरदीप को, मेरी भरजाई को, मेरे भतीजियों को मार डाला, तू उससे उसे रिश्ता कराना जा रहा है? मैं तेनु वड़ दियांगा, वड़ दियांगा तेनु, मैं तेनु वड़ दियांगा। गुरदीप को की जवाब दिया ताया, ये ले, मार दे मुझे, लेकिन एक बात जान ले, नफरत सिर्फ जलाती है, राख कर देती है, चाहे वो दिल हो, घर हो, मुल्क हो, और इसी नफरत की वजह से मेरे हाथ में तलवार आ गई थी। अगर ऐन वक्त पर प्यार के हाथ मुझे थाम नहीं लेते तो आज तारा भी जलकर राख हो जाता। ताया, तू मेरा घर बसता देखना चाहता है ना? बुजुर्गों के आशीषों के बगैर बच्चों को भाग नहीं लगते, और फिर मेरा इस दुनिया में और है ही कौन ताया? तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? ठीक है ताया। तारिया रुक जा पुत्र, रोक लो जी उनको, देखो हमारे इस वक्त का कोई नहीं है, रोक लो उसको। तारिया मैं तो छट के जा रही हूं। जिस चांद को जी भर कर देखना तकदीर में ना था, आज वो चांद भी मेरा है, उसकी चांदनी भी। तकदीर को तारा बदतर हंसा गया मैडम जी। मैडम नहीं, सकीना। ओह
मैं भी यमला जाट हूँ। ताई ने बताया था कि आज की रात को मुंह दिखाई का तोहफा देना होता है, लेकिन मैं तो कोई तोहफा ही नहीं लाया। अच्छा हुआ, अब हम अपनी पसंद का तोहफा ले सकते हैं। आप वो गाना सुना दीजिए जो आपने हमें पहली मुलाकात में सुनाया था। अगर आप मेरा साथ दें तो। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठियां अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का। आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दिल्ली से पाकिस्तान कॉन्सुलेट से बोल रहा हूं, खान साहब से बात करनी थी जी। मैडम यहां एक मोहतरमा है जो कह रही है कि वो खान साहब की साहबजादी हैं। हाँ जी हाँ जी, लीजिए बात कीजिए। हेलो 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 अम्मी सक्कू,
अभी ओ सकू अभी ओ सकू 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 तुम कैसी हो? आप कहते हैं अभी सकू सकू हमने तो सोचा था कि खुदा ने तुम्हें हम जिंदा है अभी हम जिंदा है एक मिनट सकू मैं तुम्हारे अब्बू को बुलाती हूँ एक मिनट जाती से बात करो एक मिनट सकू सुनिएगा जरा सुनिए सकू का फोन आया है हिंदुस्तान से जिंदा है खैरियत से है आइए ना जल्दी आइए हमारी बेटी जिंदा है आइए ना जल्दी आइए सकू मेरी बेटी आपकी सकू अब्बू सकू बेटे हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया हम तो सबसे कहते फिरते थे कि हमारी सकू जरूर वापस आएगी हमें जरूर मिल जाएगी हम आगे वापस आएंगे बेटा भी है आप उसे मिलेंगे ना तो बहुत खुश होंगे अबू उसका नाम चिरंजीत है चिरंजीत चिरंजीत उसका बेटा भी है हाँ। अबू हम आपसे मिलना चाहते हैं अबू बहुत मन कर रहा है कि आप सबसे मिले अबू बहुत बहुत दिन हो गए अबू अच्छा देखो उधर कॉन्सुलेट में तुम वीजा के लिए अप्लाई करो हमारे पहचान के लोग हैं उधर हम आएंगे अबू हम जरूर आएंगे हम आएंगे हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं आई एम सो हैप्पी चाहते हो अबू ने इतने साल हमारे बगैर ईद भी नहीं मनाई और वो कह रहे थे कि वो हमारे लिए प्लेन भेजेंगे प्लेन हम लोग प्लेन से जाएंगे प्लेन से बेटे प्लेन से हवाई जहाज से जाएंगे ये क्या बच्चे के वीजे पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत ही नहीं दिखाइए ओफो बड़े साहब यहाँ साइन करना भूल गए वो तो ठीक है लेकिन कानूनी तौर पर जब तक पूरे सिग्नेचर ना हो मैं बच्चे को फ्लाइट पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर हम जीते के बगैर कैसे जा सकते हैं प्लीज ऑफिसर ट्राई टू अंडरस्टैंड सकीना जी लाहौर के मेयर साहब की बेटी है बरसों बाद ईद पर अपने घर जा रही है अगर वक्त पर घर ना पहुंची तो सबका दिल टूट जाएगा आई अंडरस्टैंड बट आई एम सॉरी बाल साहब ऐसा नहीं कर सकते कि बड़े साहब जी के पास अभी जाके दस्तखत करवा लें अब तो 3 दिन बाद ही हो सकता है बड़े साहब ईद मनाने अपनी रिश्तेदारी में गए हैं कितने खुश थे अब्बू ये जानकर कि हम आ रहे हैं और अब सकीना देखो तुम आज ही निकल जाओ जीतू और मैं 2 दिन बाद आ ही जाएंगे ना तारा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे का वीजा लगवा के मैं इन्हें बाद में भिजवा दूंगा आप दीजिए पेपर मुझे पेपर दे दो मैं आपकी बोर्डिंग क्लियर करवा देता हूँ 2 दिन की तो बात है मैं भी जाऊंगा मैं आपके साथ जाऊंगा मैं प्लेन में जाऊंगा मैं नानू के पास जाऊंगा बेटे 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 देख रोते नहीं बेटे अच्छा अच्छा नहीं बेटे चुप हो जा
मैं मम्मा के घर जाऊंगा। अरे दो दिन बाद तो हम भी जा रहे हैं ना वहाँ। चल अब तुझे मैं हवाई जहाज दिखाता हूँ। चुप हो जा। अबू जान आप मेरी बच्ची। अगर वीजा का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता तो जीते और वो भी हमारे साथ होते। वो देखिए हम हिंसक करे जीते। अबू आप यहाँ तक आए और नीचे उतरे भी नहीं। अगर हम हिंदुस्तान की जमीन पर पांव रखते तो हजारों जख्म उभर आते। इस जमीन ने हमारे बेटे असलम को भी हमसे छीन लिया। और वैसे भी अब ना तो ये जमीन हमारी है, ना ये मुल्क, और ना ही यहाँ के लोग। हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारा वतन है पाकिस्तान। अच्छा हुआ जनाब कि मेयर साहब की बेटी का अराइवल टाइम अखबारों में नहीं छपा, वरना तो सारा शहर मर पड़ता उनके इस्तकबाल के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, इस इस्तकबाल की सकीना हकदार है। ना सिर्फ वो हमारे जैसे सियासतदान की भांजी है, बल्कि पाकिस्तान की वो बेटी है जो बरसों जट की कैद में रहकर हर जुल्म सहकर भी अपने मजहब, अपने वतन, अपने जमीर से जुड़ी रही। अरे भाभी वो वली कहाँ गया? बेगम कलीम कहाँ गया? वो वली का बच्चा ढूंढ लो उस पागल को। पागल? कौन पागल सर? ओफ़ ओ मेरा बड़ा बेटा। नेहरू जी आ रहे हैं क्या? नेहरू जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नेहरू जी आ रहे हैं क्या? कोई पब्लिक मीटिंग होने वाली है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आर यू मैड? मूव मूव फ्रॉम हियर, कम जैक्सन। फिरंगी अंग्रेज? व्हाट? वापस जाओ। व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? हिंदुस्तान। व्हाट इज प्रॉब्लम? अरे ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान के नारे कौन लगा रहा है? भाई साहब देखिए बुरा मत मानिए, आजादी से पहले इनके सिर पे डंडे पड़ गए थे, इसलिए कभी कभी 1946 में चले जाते हैं जब मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा? भाईजान भाईजान कोई बंटवारा नहीं हुआ है भाईजान, कोई बंटवारा नहीं। चलिए सकीना आने वाली है। सक्कू सरफराज, सकीना के आ जाने से हमें जीने का मकसद मिल गया। अब हमें असलम की कमी महसूस नहीं होगी। मैं आपके जज्बात से वाकिफ हूं, फिक्र है तो सिर्फ इतना कि सकीना का गुजरा हुआ कल कहीं आने वाले कल पर हावी ना हो जाए। सकीना हमारी बेटी है सरफराज, वो किसी भी सूरत में अपने वालिद से बाहर नहीं है। अम्मी हमारी सच्चाई जाने के बावजूद अब ये सब कह रही हैं? बेटी वो सच्चाई नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। कितनी तबाही हुई थी उन दंगों में हमारी कौम की,
असलम के साथ हुई वहशत अब तक मेरे दिलो दिमाग से मिटती नहीं। उसको मेरी आंखों के सामने कालीन से नीचे कदम न रखने वाले तुम्हारे अब्बू जान पत्थरों कंकड़ों मैदानों में मीलों पैदल चले, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे हम पर। अगर पाकिस्तान में तुम्हारे मामू जान न होते और हमारा ये घर न होता तो। अम्मी प्लीज, आई अंडरस्टैंड, पर ये मुसीबतें और तबाही तो दंगों में हर एक को सहनी पड़ी थी, लेकिन लेकिन अब हमें क्यों मुसीबत में डाला जा रहा है? गॉड सेक अम्मी, हमें हमारे शोहर के पास। कीप क्वाइट सकीना, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है, हमारी इज्जत का नहीं। डू यू नो जब तुम्हारे बाबा जान तुम्हें लेने जा रहे थे लोगों ने हमसे क्या क्या कहा? बदनामी का टोकरा है, हिंदू के साथ रहकर आई है, जस्ट डिसोन हर राइट नाउ। पता है हमें क्या क्या झूठ बोलने पड़ रहे हैं इस बदनामी को छुपाने के लिए। तुम उस भूल जाओ उस तारा सिंह को। क्या अम्मी, हमने शादी की है अम्मी, कोई मजाक नहीं, हमारा हमारा एक बेटा भी है, हम उनके और अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकते अम्मी, नहीं जी सकते। क्यों, अपना बेटा खोकर क्या हम नहीं जी रहे? Why don't you understand, सकीना? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने वाली इस लकीर ने कभी न खत्म होने वाले फासले पैदा कर दिए। सियासी लोग फासले पैदा करें और अंजाम आवाम को भुगतना पड़े, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अम्मी। हम आपसे अब्बू से और सबसे तो मिल लिए, अब हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे। अपने अब्बू को गमों के अंधेरों में ढकेल कर। ऐसा नहीं है बाबा जान। बेहद हैरत की बात है, तुम जैसी पढ़ी लिखी और संजीदा बेटी इतना समझाने पर भी समझ नहीं पा रही है। बेटी रास्ते में चलते हुए अचानक बरसात आ जाए तो आदमी मजबूर होकर किसी कंध या दीवार का सहारा ले ही लेता है, और तुमने भी तो वही किया है। ये सच नहीं है बाबा जान, उन्होंने हमें किसी तरह से मजबूर नहीं किया, वो तो अपनी जान पर खेलकर हमें लाहौर छोड़ने आ रहे थे। आप नहीं जानते अब्बू, जैसा पाक दिल इंसान तो पूरी कायनात में मिलना मुश्किल है, और हम जैसा बेबस और मजबूर बाप भी। बेटी, हम बखूबी समझ सकते हैं कि बरसों के गुजरे हुए कल से निकलने में तुम्हें कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। ये नहीं हो सकेगा बाबा जान, हमें अपने चोर के पास वापस भिजवा। चकू, हमारा हर कदम आगे की तरफ जाता है, और अब तुम्हारे आगे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का वो जीना है जिसकी सीढ़ियां सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी तक जाती हैं। हम तुम्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनते देखना चाहते हैं। हम आपको कैसे समझाएं अब्बू, अब तो हमारा मुस्तकबिल हमारा परिवार है, हमारा घर है। आइए आइए खान साहब, खुश आमदीद, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक हो शेर साहब। अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सुना पड़ा अंगना अंगना सुना
भागना सुना। अरे भाई सकीना अभी तक नहीं आई, जाओ जाके देखो ना, जल्दी जाओ। रे भंगना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना मिलो सजना। हमें जाने दो भाई, हमें मत पुलिस अगर मत चाहिए। इस जश्न ईद में शहर की तमाम हस्तियां मौजूद हैं, आप शरीक नहीं होंगी तो खानदान की बहुत बेइज्जती होगी। रुक जाइए, इतनी जल्दी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते बेटी। आप मालिक जान की खुशियों का ख्याल रखेंगी तो मुन्नी साहिबा वो भी आपके दिल का हाल समझेंगे। हाँ बेटी, अगर ये ठुमरी उर्दू में होती तो गजब हो जाता। कहाँ उर्दू जबान की नफासत और कहाँ ये पेचीदा हिंदी। तो गोया आप ये फरमा रहे हैं भाईजान कि मुल्क के साथ साथ मौसीकी को भी तकसीम कर देना चाहिए था। बानो, कम से कम बिटिया का मातर टीके से तो सजा देती। ये लो चुनरिया भाई, कोई रंगना लीजिए, हमारी बेटी आ गई है। आओ बेटी आओ, ये हैं हमारे दोस्त जनाब लाल हुसैन शाह साहब, यहाँ के एमपी हैं। जीती रही, सलामत रही। और ये हैं यहाँ के मशहूर अखबार जंग के एडिटर जनाब इदरिस साहब। खुश रहिए, हम आप पर हिंदुस्तान में हुए जुल्मों की कहानी अपने अखबार के पहले सफे पर छाप रहे हैं बेटी। उस जग पर खुदा का कहर नाजिल हो जिसने आपको दोजख में रखा। चलो बेटी, हम दूसरे मेहमानों से मिलते। दिन का बेसब्री से इंतजार है अशरफ साहब, जब सकीना के हाथों में सियासत की बागडोर होगी। तुम सही कह रहे हो सरफराज, सियासत में हमदर्दी का तड़का लग जाए तो हांडी और भी ज्यादा लजीज बन जाती है। सियासत की अली बे तो कोई आपसे सीखे भाई जान, बच्चे के वीजा पे दस्तखत न करवा के आपने तो सारी बाजी ही पलट दी। हमने वीजा क्लियर नहीं होने दिया क्योंकि हम तुम्हें उस जट के साथ देख नहीं पाते। बहुत भूल हुई हमसे, बहुत भूल हुई कि आपके प्यार की खातिर हम यहां चले आए। अगर हमें मालूम होता कि इस प्यार की हमारे परिवार को मौत से बढ़कर सजा मिलेगी तो हम यहां कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ये हाई स्टेटस, ऐशो आराम, सियासत में ऊंची पोजीशन, ये सब सजा है। एक बात जान लो, इस दूर तक फैले हुए कारोबार को, इस सियासी साख को हम तुम्हें खाक में नहीं मिलाने देंगे। तुम चाहो या ना चाहो, रो या चीखो, रहना अब तुम्हें पाकिस्तान में ही है। अगर आपका यही फैसला है अब्बा तो ठीक है, नहीं जाएंगे हम हिंदुस्तान, फोन भी नहीं करेंगे, खत भी नहीं लिखेंगे, बस अब हम सिर्फ उनका इंतजार करेंगे।
इंतजार, क्योंकि हम जानते हैं आज नहीं तो कल वो हमें लेने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वो हिंदुस्तानी यहां आएगा, वो जट हमारा दुश्मन जिसने हम लोगों का खून बहाया, वो हमारे वतन में हमारी सरजमीन पर आएगा। कसम खुदा के उस जट के मरने की इत्तला भी हिंदुस्तान नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। इतने टुकड़े करूंगा उस कमीने के कि पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। साहब जी, कितने हफ्ते गुजर गए हैं, मेरा वीजा मुझे वापस दिलवा दीजिए। अब तो मैं गुरुद्वारे से शादी का कागज भी ले आया हूँ। इससे कुछ नहीं होगा तारा सिंह, मैंने पहले भी तुम्हें कई मर्तबा कहा है कि तकसीम के वक्त हुई शादियों को दोनों मुल्कों की सियासतें गैर कानूनी समझती हैं। समझते क्यों नहीं? अगर मेरा और सकीना का ब्याह झूठा है तो क्या यह मेरा बच्चा भी झूठा है? नहीं साहब जी नहीं। देखिए, अब हम पर और जुल्म मत कीजिए, हम रिश्ते से दिल्ली आकर हमारी जेबें खाली हो गई हैं, मेरा घर बार, मेरा बच्चा, हम सब रुल गए हैं। ओफो, तो फिर आ गया सर खाने। इकबाल साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा बना रखा है तूने? तमाशा तो मैं बन गया हूं इकबाल साहब। आपने कहा था ना कि 3 दिन में आप मेरे बच्चे का वीजा बना देंगे, और फिर उसके बाद मेरा वीजा भी। तो बकवास बंद कर, मैं तेरा रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अरे पाकिस्तान जाएगा तू? मत मारी गई तेरी, वो भी उस कुड़ी के लिए जो मुंह फेर गई, एक कागज का टोटा नहीं भेजा। अरे मुझे तो पहले इन लोगों पे भरोसा नहीं था, मैं तो तेरी जिद के आगे झुक गया, जिद के आगे। ओ काके, जरा पानी पुल के नीचे से एक बार निकल जाता है ना, फिर वापस नहीं आता, दिल से निकाल दे उसे, भूल जा। और कैसे भूल जाऊं ताया, वो मेरी बीवी है, आज जीते दी माँ है वो। बिल्कुल सही कह रहा है जी, इस तरह आसान थोड़ी होता है किसी को भूल जाना। बिल्कुल ठीक है, बेचारा बच्चा की करे। तो जो जान बची है वो भी निकाल दे, हैं? पाकिस्तान जाकर टोटे कर देंगे टोटे। अरे सोना गबरू जवान है, चंगी सी कोई कुड़ी देख कर अपनी बिरादरी की इसकी शादी करवा दूंगा। भूल जाओ उस दगाबाज को। दगाबाज नहीं है ताया, जरूर उसकी कोई मजबूरी होनी है। और लियाई रजिस्ट्री लियाई, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया, थू थू करवा के तक्के खा के नहीं सिक्या। देख और ले आई जल्दी। देख देख, मैंने गुल खान से क्या मंगवाया, देख देख क्या लिखा इसमें, मेयर साहब की बेटी जट की कैद में है, उसके ऊपर जुल्म हुए, उसने बच्चे पैदा किए हैं, अब पता चला कितनी बेवफा है वो। ये सब झूठ है, मुझे मालूम है उस बेचारे पर कितने जुल्म हो रहे हैं, मैं उसे अभी लेकर आऊंगा। पापा, 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 मैं भी जाऊंगा। जिधर तू इधर ही रहेगा? नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यहीं रहोगे? नहीं पापा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यहीं रहोगे? नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। ओए पागल हो गए? बच मेरा बच्चा, मम्मी भी छोड़ के चलेगी और आप भी छोड़ के जाना, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं मम्मी के पास जाऊंगा। Oh
ये याद रखना मेरी राह तक ना, ये याद रखना मेरी राह तक ना। हो तो फाड़ दूं, धागा हो तो काट दूं, दुनिया हो तो छोड़ दूं, वादा कैसे तोड़ दूं, इस वादे पे मुझको अब जीना अब मरना सजना। ये याद रखना मेरी राह तक ना, ये याद रखना मेरी राह तक ना। गाड़ी चल रही है मेरी जान, अल्लाह कसम बहुत याद आती है तेरी। ओ यार सियासतें बदल गई, वतन के नाम बदल गए, ओ यार लेकिन दिल के जज्बात तो नहीं बदले जा सकते ना। और कैसा है तू मेरी जान? किसको कह रही है भाई? वो ले भाई तारा सिंह, अब तारा खान सुन ले, अगर मैं इसको हमेशा पीछे छोड़ के आता तो ये सारा का सारा कुनबा ऐसे ही आगे आ जाता है। समझा नहीं?
ओ यार, ये सारी की सारी औलादे अपनी है भाई। व्हाट गुल्लू पापे, वो एक ही इंजन के साथ तूने इतने सारे डब्बे जोड़ लिए। ओ इंजन क्या? ओ क्या देख रही है, इधर आ इधर आ। ओ मेरा यार आया, जाके लस्सी लुस्सी बना जल्दी, जा। बनाती हूँ बाबा। ओ जा, जा। चला चुन्नू बिल्कुल अपने ओ, बाप पे गया। ओ संभाल कभी भी कुछ भी भगते रहते हैं। प्यार नाल ओ क्या देख रही है, ओ जा जाती हूँ बाबा। ओ मेरे घर की आफत है, मुसीबत है, लानत है। मुझे बेवकूफ समझते हैं। मुश्ताक अहमद राशिद साहब, इधर आओ। मुझे सच सच बताओ, ये वही तारा सिंह है ना जो बाहर तुम्हारे अब्बू के साथ बैठा है? तारा सिंह बोल ना, है ना, वही है ना? तू क्या कह रही है अम्मी, कहाँ ये दाढ़ी वाला और कहाँ वो सफाचट? सफाचट ओ तू घबरा नहीं, कहा के मैं हूँ ना। हाँ तारा सिंह है, कोई तारा खानशाह नहीं। छह बच्चे पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता, अनपढ़ हूँ तो समझ में नहीं आता क्या? बोल ना अपने, एक मिनट आता, यही तारा सिंह है, बोलता क्यों नहीं? तारा सिंह है, बोले जा रही है किसको कह रही है भाई, कौन है, क्या है? ओ सुन, ओ देख, रब एक, खुदा एक, तो उसके बनाए हुए बंदे भी सब एक ही हुए ना, है? फिर क्या सिंह और क्या खान, क्यों मियां? चुप रहो मियां, कान खोल के एक बात सुन लो तुम, ये तारा खान नाम का आदमी इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगा। छह छह बच्चे दिखाई नहीं पड़ते तुम्हें, एक साथ सारे बच्चों को यतीम करोगे तुम। ओ रब्बा, कैसे समझाऊं इसको, ये किसको कह रही है यार, ये किसको कह रही है? तुझे क्या कहा था मैंने, चल लस्सी बना लस्सी। हाय मैं कैसी पत्नी, तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई मैं, ना पाजे मेरी नजरों के सामने से हट गए, चल जवाब के पास, चल चल। कुल्लू के पट्टे, बेवकूफ औरत के नालक बच्चे, हट। काके किधर गया? अनपढ़ औरत की बात को दिल पे लगा रहा है। और बुलिया की बीजी क्या कहती थी? वो बीजी कहती थी कि मेरे दो बेटे हैं, एक काके ते दूसरा गुल्लू। जानता हूँ गुल्लू, लेकिन मैं तेरे लिए कोई आफत नहीं बनना चाहता। वो किसको कह रहा है यार, वो यार यार की राहत होता है, सुकून होता है। अल्लाह कसम, अगर मेरा बस चले ना काके, तो तेरी सारी बलाएं अपने सर ले लूं। लेकिन क्या करूं काके, आसमान से ऊंचा कद है अशरफ अली का, और उसके सामने अपना तो कोई कद ही नहीं। ये देख, सरफराज के बेटे सलीम से इस्लामपुर में निकाह कर रही है सकीना। अरे भाई, आजादी कैसे पाक मौके पर कोई तरज बजानी है तो यह बजाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। सारे ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। चुप कर हिंदुस्तान के बच्चे। क्यों चुप रहूं? मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। कलीम, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे घर छोड़कर आया करो। ईद और शादी जैसे मौके पर भी क्या हम इन्हें घर में कैद करके रखेंगे? ले जाओ इसे, बंद कर दो उस पागल को। पागल? कौन पागल? मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। चलिए भाई, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो, सब पागल हो गए। हम किसी की अमानत है ये भी नहीं समझते। बेहया बेटी, चुप हो जा, समझी? मान जाओ सकू। चुप हो जा। औरत को हालात के साथ चलना ही होता है सकू। या अल्लाह, हमने कैसे समझा, कैसे समझा? माँ बाप का दिल रख ले लड़की, बाहर बारात इंतजार कर रही है। क्यों चला रहे हो? आप तो काजी है ना, आपका काम है हाँ या ना सुनना और चले जाना। ये मत भूल, गुनाह को रोकना भी काजी का फर्ज है। शरीयत ने लिखा है कि खाविन की जिंदा रहते हुए औरत की दूसरी शादी गुनाह है। गुनाह ये नहीं, गुनाह वो है जो तूने किया था। हमारे मजहब में जब तक लड़का लड़की दोनों मुसलमान ना हो, उनका निकाह नाजायज समझा जाता है। भूल जाओ उसे। सांस जिस्म में आना भूल सकती है, सुबह निकलना भूल सकती है, आप अपने खुदा को भूल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाए नामुमकिन है ये। खामोश, खुदा से डर।
खुदा सिर्फ अकेले तुम्हारा नहीं है काजी। बस सुभान लाहौल वाला कुवत है लब बेशरम बदतमीज। भाईजान ने अगर छूट दी होती तो सुभान कैसे था। नहीं, ये नामुराद ऐसे नहीं मानेगी। जब तक इस घर से कोई जनाजा नहीं निकलेगा तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। एक ही कर रही है, जहर पी रही है। पागल हो गई है तू? जहर पीना है तो इस कलमुई को दे, ले पी और मर। सोचेंगे कि तू वापस आई ही नहीं। मामी जान, हम तो इतने मजबूर हैं कि मर भी नहीं सकते। अगर मर सकते तो कब के मर जाते। अगर हम जानते हैं कि हजारों मुसीबतें सहकर वो यहां आएंगे, हमें पुकारेंगे, इन आंखों को ढूंढेंगे, इन होठों को बुलाएंगे, और अगर उस वक्त हम नहीं मिले तो इतनी बड़ी बेवफाई हम उनसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हिंदुस्तानी यहां आएगा, वो मजनू और रांझे से भी बड़ा आशिक है। खुदा कसम जवानी इश्क करना छोड़ दे, ऐसी मार मारूंगा उस चट को। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी इक जिंदड़ी। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कितने ऊंचे कितने गहरे
छोड़ दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने। लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खबरदार, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। कमीने, मार डालूंगा तुझे। मैं कहता हूं रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। आशा साहब आप हैवान हो गए क्या? आप सियासी लोग हैं, कसाई नहीं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। कलीम, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। जी। अशरफ साहब आप मेरे साथ आइए, सरफराज साहब आप भी आइए, चलिए आइए। काजी साहब, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो खुदा कसम उस कमीने की गर्दन तो मैंने उसी वक्त काट दी होती। अशरफ साहब, गुस्सा अकल को खा जाता है। आप सियासी लोग हैं, आपकी एक छींक भी अखबार की सुर्खी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर वो जट आपके दरवाजे पे दम तोड़ देता तो अपोजिशन के हाथ बटेर लग जाता, और फिर सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी। आपने ठीक कहा, जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। तुम बिना वीजा के हमारे पाकिस्तान में दाखिल हुए हो। अगर हम चाहें तो जासूसी के केस में तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बेटी हमारी कमजोरी है और उसकी कमजोरी हो तुम। और हम इतने संगदिल बाप नहीं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर झुक भी ना सकें। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी दो शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें यहीं पाकिस्तान में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों,
तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी क्या सिर्फ हमें देनी होगी? अगर हम इसके सामने घुटने टेक सकते हैं, नफरत भुलाकर एक हिंदुस्तानी को अपने गले लगा सकते हैं, तो क्या यह तुम्हारी खातिर इतना भी नहीं कर सकता? अगर तुम इसके लिए हिंदू बन सकती हो, तो यह तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं बन सकता? हम जानते हैं कि ऐसी बातों के फैसले खड़े पैरों नहीं किए जाते, इसलिए हम तुम्हें एक रात का वक्त देते हैं। सोच लो। खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आओ मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ कलमे पढ़। एक मिनट काजी साहब। इससे पहले कि इसके कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ, तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ।
लोगों को सांप सूंघे है क्या? पकड़ो इस कमीने को। जब मुल्क आजाद हो गया तो तुम लोग मुझे तिरंगा क्यों नहीं लगाने देते? मुल्क तो आजाद हो गया है, आप हमारी बात क्यों नहीं समझते? पर ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है? भाईजान, भाईजान, क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो कभी भी बच जाएगा। भाईजान, हमारे मुल्क के लीडर आनी तब पागल नहीं समझे? भाईजान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने सोचा था इस्लाम कबूल करवाने के बहाने हम उसे इस कदर भड़काएंगे कि भीड़ में शामिल हमारे आदमी उसे काट डालेंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था सरफराज कि तुम्हारे 200 सूरमा उस जट के सामने हिजड़े बन जाएंगे। अशरफ साहब, वक्ती तौर पर चीटी भी शेर। अब्बा हुजूर, भाईजान देखिए, ये हमें तिरंगा नहीं लगाने दे रहे, ये कह रहे कि ये पाकिस्तान है, ये भी कोई बात है? अरे भाई कलीम, इसे ले जाओ ना, हम जरूरी बात कर रहे हैं। चलिए भाईजान। जनाब अशरफ साहब, जिस बस में तारा सिंह भागा था वो मीरपुर के पास खड्ड में पड़ी मिली है। भाईजान आप फिक्र ना करें, मीरपुर से हिंदुस्तान की सरहद 400 मील दूर है। और जनाब, इलाके के हर अखबार में उसकी तस्वीरें छपवा दी गई हैं। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस तैनात है। अब दरोगा सुलेमान से बच नहीं पाएगा वो कमीना। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, समझे? लो जी, चा पियो जी, तुसी गरम गरम चा पियो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुंडे दी तबीयत किस तरह है जी? ठीक है ना तुहाडा मुंडा? लो जी, चा पियो जी। बहुत बहुत मेहरबानी, अगर आप हमें पनाह नहीं देती तो हमारे बच्चे की तबीयत और खराब हो जाती। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लो जी, एहसान किस गल दा है जी? मेरा खाविन ना आपको राती देख कर ही पहचान गया सी। खान पहले ना सरफराज साहब की कोठी पे छिड़काव करदा सी, तुसी तो वहां आते थे ना जी। हाय रब्बा, चुमका कितना सोना है, बहुत ही सुंदर है जी। जान पे खेड़ के आपको बचाऊंगी तो मेरा भी तो मुनाफा होना चाहिए ना जी। देखो, जब तक रहना है रहो, रोज एक गहना लूंगी।
तुसे घबराना नहीं, एते कोई नहीं आसी। घबराओ नहीं जी आप, कोई नहीं आएगा यहाँ। इस औरत की नजर तुम्हारे गहनों पर है। हमारा गहना तो आप हैं। एक बात कहें तारा जी, आज अगर मौत भी आ जाए ना तो हमें कोई गम नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, हम सब हिंदुस्तान जाएंगे, मैं लेकर जाऊंगा। तुम जीते का ध्यान रखो, मैं जाके बंदोबस्त करके आता हूँ। अच्छा, मियाँ परसों पुराना याराना है हमारा, हम दोनों ने कितनी इकट्ठी गाड़ी दौड़ाई है। 32-33 लग रही है, अल्लाह के फजल से मैं तुझे अटारी पहुंचा दूंगा। ले यार, ले यार, कुछ पैसे रख ले। अरे यार, जाकर भेज देना ना तू, एक तो तू बात नहीं समझता। मियाँ लंबा सफर है, पर जाई साथ में है, चार पैसे आंटे में होंगे तो आसानी रहेगी। अच्छा एक बात बता, पर जाई को लेना कहाँ से है? मालीवाड़े से। मैं जरा गड्डी देख कर आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ। ओ इमरान, नाक गिन के रख ली भाई। ओए शाबाश नियाजुद्दीन, वो कमीना तारा सिंह बच चुना नहीं चाहिए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, तारा सिंह ने मेयर साहब की साहबजादी को कहाँ रखा है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मेरा इनाम तो पक्का है ना। हेलो हेलो दोस्त, दिखा दी ना अपनी फितरत। हेलो हेलो नियाजुद्दीन, हेलो हेलो नियाजुद्दीन साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए क्या? और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया, बेटा बाप में से तो निकलता है ना, ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से है। क्या बकवास कर रहे हो? सारे ट्रांसपोर्ट नगर को घेर लो, सब लोग। हमारी तो समझ में नहीं आता, जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार था तो आपको नारे लगवाने की क्या जरूरत थी? फूल से नवाजने पर भी प्यार नहीं आया आपको? आप खामोश रहिए, आप क्या सोचती है कि वो जट पाकिस्तान से बाहर निकल पाएगा, और वो भी हमारी सकीनों को लेकर? मैं तो खाम खा आपकी बातों में आ गई, मुश्किल से खुशियां आई थी, यूं ही निकल गई। ड्राइवर चलो। ले भाई, एक दिन तो पूरा हो गया, एंज कर, ए चुमके मैनू दे दे, बड़े सोने ने तेरे चुमके, लिया चुमके दे दे। काला शा काला, मेरा काला है दिलदार, गोरे अनदफा करो, काला शा काला। ओ खसमाणू खानी, अल्लाह मियां से तो डर, मेयर साहब की साहबजादी है, उन्हें पता चल जाएगा तो तेरी गर्दन कलम हो जाएगी। ओए रहने दे, इतने गहने पाके तो मर भी जाऊं तो भी गम नहीं, क्या किया मेरे लिए है? तमाम जिंदगी दाल और सत्तू ही पिलाएगा, पैसा कमाने का मौका दरवाजे पे आया, हाथों गंवा दिया। ओए किसे ने नहीं आना यहाँ? अब ट्रक यूनियन का लीडर ही मुझे बॉर्डर तक लेकर जाएगा। ये क्या कर रहा है? पुरानी पहचान है पुत्र, गर्दन तो छोड़ मेरी। मैं जानता हूं तारा, तेरे साथ सियासत खेली जा रही है पुत्र, लेकिन हर आदमी एक साथ नहीं होता पुत्र। मैं समझता हूं कि तेरी सच्चाई जानकर पाकिस्तान का हर आदमी तुझसे हमदर्दी करेगा पुत्र। रहमान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं काके। कुल्लू तू? अखबार में जब से पढ़ा है मैंने, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूं काके, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि तू रहमान भाई के यहां जरूर आएगा। काके, खुदा हमारे साथ है, पाकिस्तान से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। चल आ जा काके, आ जा मेरे साथ। मम्मा, मम्मा। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਫੌਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ। ਐ ਚੂੜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਐ ਚੂੜੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਮਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼? हम लोग ने उनका क्या बिगाड़ा है? वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? कुछ नहीं बेटी, ये सब पागलपन है, पागलपन।
ये सही है कि मुल्कों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कारोबार बदस्तूर जारी है। हिंदुस्तानी चीनी हमारी खाएंगे और हम पान के पत्ते उनके, मगर उगलेंगे दोनों नफरत। खैर छोड़िए, ये सही है कि जुम्मे के जुम्मे राजस्थान के रास्ते चीनी और रुई लेकर मालगाड़ी हिंदुस्तान जाती है, और चीनी और रुई में छिपाकर अफीम भी भेजी जाती है। अफीम? क्या कह रहे हो मियां? बैठ जाइए। देखिए बड़े मियां, जब अफीम भेजी जा सकती है तो आपकी मेहरबानी से बंदे भी हिंदुस्तान भेजे जा सकते हैं। बंदे? क्या कह रहे हो? पैसे? और पार्सल बाबू, अब आप उठ नहीं पाएंगे, वजन बहुत बढ़ गया है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझिए आपका काम हो गया, बंदे पहुंच गए हिंदुस्तान। आगे ये मालगाड़ी के डिब्बे का नंबर है, कल 2 बजे इसके सामने पहुंच जाना। गाड़ी ठीक 2:20 पे सरकती है, ठीक है? कुल्लू, मैं तेरा एहसान। किसको कह रहा है काके, किसको कह रहा है यार? तेरे और मेरे गम में कोई फर्क है क्या? तुम लोग वहां पहुंचो, मैं भी बंदोबस्त करके वहीं मिलता हूं। जाओ जाओ। तलाश है जिंदा या मुर्दा। अमा गजब हो गया, पाकिस्तान की नाक कट गई, एक अदनासा हिंदुस्तानी मेयर साहब की बेटी को भगा कर ले गया। मियां हमने तो सुना है सकीना के साथ निकाह किया है उसने, एक औलाद भी है उसकी, अगर ये सब सच है तो बहुत जुल्म हो रहा है बेचारे के साथ। क्या कह रहे हो हसन, क्या किसी हिंदू को अपना दामाद बनाया जा सकता है? हेलो, चलो। बोल, हमारी बेटी यहाँ आकर ठहरी थी कि नहीं? हाँ जी ठहरी थी, 3 रात रुकी थी। हमारी शक्कू को इस गलीज जगह में आके रहना पड़ा, इस गंदी जगह में। ये जेवर मिले हैं साहब जी। क्या है? अरे
जेवर तो मेरी सक्कू के हैं। इसका मतलब कि इस औरत ने उसे तेरी ये औकात कि मेरी बेटी के बदन को छुए, उसके जेवर उतारे, चूड़ी उसे यहाँ आई है। उस जट की वजह से मेरी बेटी को इतने जुल्म उठाने पड़े, इतने जुल्म। I'll kill that rascal. I'll kill that rascal. सलीम, तुम हिंदुस्तान जाने वाले सारे रास्तों पर आर्मी डिप्यूट करवा दो, जाओ। उस जट को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस जट को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उस जट को। क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं। वो दरवाजा, वो आंगन, वही तंदूर, आपका ट्रांसपोर्ट से वापस आना। और मैंने देखा कि पापा जान भी वहीं आ गए। अपने हाथों से हमें लंबी उम्र की दुआ देनी। करके नहीं खिला तो मेरा नाम भी सलीम नहीं, तेरा वो हशर करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। ढूंढ के निकालो उस हिंदुस्तानी कुत्ते को। बहुत हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, साले अब कहां गई तेरी सारी अकड़? कारों की तरह दुबक कर क्यों बैठा है? देखो, जब आगे निकलो, आगे। तुम लोग आगे देखो। और इसे तलाश करो, अंदर बच के जाने न पाए। तुम लोग आगे देखो। छिपे साले, ये देखो, ये देखो, खून के निशान यही है, यही है साले। ढूंढो, ढूंढो, यही पे है। कहाँ गया सुअर का बच्चा?
गेट डालो पूरा डिब्बा जाओ। आग लगा दो डिब्बे को। दिमाग खराब हो गया है तेरा? इसमें मेरी भतीजी सकीना भी है। आप खामोश रहिए बुआ जान। बेइज्जती का सबसे बड़ा तमाचा तो उसने मेरे मुंह पे मारा है। अगर सकीना मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैसेज
सकीना, 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 डॉक्टर, 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 डॉक्टर साहब, मेरी सक्कू को होश आया? अभी तक तो नहीं, लेकिन गोली तो आप कब की निकाल चुके हैं डॉक्टर साहब, तो अब तक होश क्यों नहीं आया? देखिए जनाब, जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में तो नहीं होता। दुआ कीजिए परवरदगार से कि दवाओं में असर हो। माफ कर दो बेटा। नहीं बाजी, नहीं। दामाद को तो पलकों पे बिठाया जाता है और मैं, मुझे माफ कर दो बेटा। सियासत के लालच में मैं सबसे बड़े मजहब इंसानियत को भूल गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा फूफा जान, ये दुनिया इंसानियत से चलती है, मोहब्बत से चलती है। गांधी जी ने भी कहा है,
अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। We'll be right back.